अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लेट्स ओपन पेज नंबर 24। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड डैश डाटा। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड द डेसिमल पॉइंट्स, यानी डिजिट्स के फॉर्म में डाटा को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा। तो आप क्या लिखेंगे, न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन डैश फॉर्म। तो ये तो हमने बार बार इस चैप्टर में ये की चीज़ पढ़ी कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। थर्ड है इन द डैश सिस्टम, इन द बाइनरी सिस्टम 10 इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ये भी हमने पढ़ा था, इनपुट जब हमारे पास डेसिमल में 10 थी तो बाइनरी डाटा में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1010 से। तो आप यहाँ लिखेंगे 1010। अगर आपको याद ना भी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 5 0 10, नो रिमाइंडर 0, 2 2 0 4, 1 रिमाइंडर एंड 2 1 0 2 एंड 0 रिमाइंडर। तो 1010 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द डैश नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 8 डिजिट। तो जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, बाइनरी जो नंबर सिस्टम था वो 2 डिजिट पे कंसिस्ट था, ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही इसको जो है पता चलता है 8 नंबर्स पे बेस करता है और हेक्साडेसिमल 16 पे बेस करता है। तो अभी उसने क्या कहा है, डैश नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 8 डिजिट मीन ऑक्टल। द डैश मेथड इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कहा था कि हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वी कैन यूज एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास बी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और नेक्स्ट हमने रीराइट करना है जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं थी उन्हें ट्रू बनाना होगा हमने। फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड डाटा इन बाइनरी फॉर्म। तो यही चीज़ हम पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो ये ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर ओनली। तो इसको देखते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं। तो पेज जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी पेज पे था ये कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा किस पे कंसिस्ट करता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर नंबर्स एंड अदर स्पेशल करेक्टर। तो वहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट कि वो ओनली लेटर पे कंसिस्ट होता है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग कंडीशन है। आप लिखेंगे अल्फा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स, तब जाके जब आप नीचे वाली लाइन में ये चीज़ ठीक करके लिखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। ये थी फॉल्स और आपने ट्रू कर दी। नेक्स्ट है बाइनरी स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डिजिट 0 एंड 1। के बाइनरी स्टेट के जो नंबर्स होते हैं क्या वो 0 और 1 होते हैं, तो बिल्कुल ठीक, 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्या है, द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेस्ड ऑन 16 वैल्यू। तो यही चीज़ पढ़ी है कि डेसिमल 10 पे बेस करता है, बाइनरी 2 पे बेस करता है, ऑक्टल 8 पे, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 16 वैल्यूज पे बेस करता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास ASCII Standard 4। क्या इसका ये कोड आगे ठीक लिखा हुआ है या नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी नहीं है कि किसी भी एक स्पेलिंग से कोई और चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल यही कोड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी ट्रू है।
नेक्स्ट है, अ बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम बाय द रिपीटेड मेथड। तो ये रोंग है। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि बाइनरी जो है एक्सपेंशन मेथड यूज़ होता है बाइनरी नंबर से डेसिमल में, तो आप इसको रीराइट कैसे करेंगे? अ बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम बाय द एक्सपेंशन मेथड। सेवन्थ नंबर पे क्या है, वन मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर टू बिट्स। तो कल ही हमने अपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि एक मेमोरी लोकेशन में हम एक ही बिट स्टोर करते हैं, तो क्या आएगा, वन मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर वन बिट। नेक्स्ट पार्ट सी में क्या है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। क्या हमारे पास फोर पॉसिबल सिचुएशन गिवन है, हमने इसमें से करेक्ट जो आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है, इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = 2। हमने एडिशन पढ़ी थी 1 + 0, तो क्या होगा 1, तो आंसर आपने बी सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है 1। वन बाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डैश बिट 10, 7, 16 और 8। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो वन बिट है वो कम्बिनेशन है, वन बाइट जो है वो 8 बिट का कम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है लिखा हुआ, विच टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड स्पेशल करेक्टर। तो अभी हमने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा वो डाटा होता है जिसमें नंबर करेक्टर्स और स्पेशल करेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा। विच नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ डिजिट एंड लेटर, यानी ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें डिजिट्स और लेटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नंबर सिस्टम में हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब पढ़ा था तो देखिए हमने इसमें नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को भी पढ़ा था, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, तो आप इसे टिक करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है, विच कोडिंग स्कीम इज यूज फॉर चाइनीज एंड जैपनीज करेक्टर। तो हमने कौन सी कोडिंग स्कीम में ये पढ़ा था, मूव करते हैं पीछे की तरफ, जब हमने बाइनरी कोडिंग स्कीम पढ़ा था तो एएसआई कोड में नहीं था, एबिटिक में भी नहीं था, लेकिन यूनिकोड जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमने चाइनीज और जैपनीज को कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व है जिस लैंग्वेज में कन्वर्जन के लिए, वो है यूनिकोड, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे जो है यूनिकोड। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक दफ़ा क्वेश्चन आंसर पे भी नज़र डालते हैं, डिस्क्राइब थ्री फॉर्म्स ऑफ डाटा। तो जब हमने ये चैप्टर किया था तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, आपने नोटबुक पे भी किया था, व्हाट इज़ डाटा एंड थ्री फॉर्म्स ऑफ डाटा, तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट टू स्टेट्स ऑफ डिजिट 0 और 1 रिप्रेजेंट अंडर द बाइनरी सिस्टम। तो ये बाइनरी सिस्टम जो हमने किया था इसमें आप इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। ये इसलिए दिखाया जा रहा है अगेन कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रह गई तो नहीं है। वाई डू वी यूज बाइनरी डिजिट टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स को जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वट इज बिट, बिट जो है ऑलरेडी हमने कल ही डिस्कस किया है वट इज बिट, तो इसे भी आप अपनी नोटबुक पे कर चुके हैं। आगे आते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। तो जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो एग्जांपल्स के साथ साथ हमने ये दो क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। तो जब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क टास्क में दिए थे। परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जब हमने एडिशन का काम किया था तो आपने एडिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया था, और जब हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काम किया था तो आपने सब्ट्रैक्शन का काम भी कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप ये अपना काम रिमेनिंग भी आज कंप्लीट कर लेंगे और आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।